एनएसटी पिक्चर्स, टेक एला, टेक मास्टर और भी काफी सारे इंस्टाग्राम क्रिएटर। इनमें से अगर आपने किसी की भी इंस्टाग्राम रील या शॉर्ट को ओपन कर लिया तो आपको समझ नहीं लगेगा कि आपने स्टार्ट कब करी थी और खत्म कब हो गई। लाइक अगर हम इन दोनों रील्स को कंपेयर करें, In my mental board of advisors, I have a handful of people. I have Derek Sivers and Tim Ferriss. तो आप किस वीडियो को ज्यादा देखना पसंद करोगे? Obviously, लेफ्ट वाली। अगर हम देखें तो इन्फॉर्मेशन तो दोनों का सेम है लेकिन एफर्ट सेम नहीं है। तो जितने भी इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स क्रिएटर हैं या यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स क्रिएटर हैं जो कि इंफॉर्मेशनल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, उन सब के वीडियोस में एक सिमिलैरिटी है, विच इज कैप्शंस। कैप्शंस अगर आपकी वीडियो में एडेड है तो व्यूअर वीडियो को देखने के साथ साथ पढ़ता भी है। बट कैप्शन ऐड कैसे करें? फॉर दैट यू हैव टू डाउनलोड ओनली वन एप्लीकेशन विच इज कैपकट। यू कैन इजीली डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल। अब कैपकट को ओपन करने से पहले आपको एक चीज करनी होगी, विच इज VPN। आपको VPN को कनेक्ट करना होगा, अदरवाइज आप इसके न्यू फीचर्स और न्यू मजेदार कारनामों के आनंद नहीं ले सकते। तो कैपकट ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। इजिली क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट एंड वीडियोस में जाकर के अपनी वीडियो को सिलेक्ट करो जिस वीडियो में भी आप कैप्शन ऐड करना चाहते हो। मैंने यहाँ पे वीडियो को ऐड कर लिया है। तो कैप्शन ऐड करने के लिए आपको इजिली क्लिक करना होगा टेक्स्ट पे एंड देन क्लिक ऑन ऑटो कैप्शन। ओरिजिनल साउंड के ऊपर डिफॉल्ट सेटिंग है, इजिली कंटिन्यू कर लो। कैपकट हमें ऑटोमेटिकली कैप्शन जनरेट करके दे देता है। अब आप थोड़ा सा लुक देख सकते हो उस वीडियो का कि कैप्शन तो आ चुके हैं बट इन्हें हमें एडजस्ट भी तो करना है। इसके ऊपर क्लिक किया एंड इसको एडजस्ट कर लो आप जिधर भी इसको प्लेस करना चाहते हो। देन आपको क्लिक करना होगा बैच एडिट के अंदर और यहाँ से आप अपने कैप्शंस की सारी टाइमिंग देख सकते हो एंड इनको एडिट भी कर सकते हो अगर कहीं पे आपको मिस्टेक दिखती है। अब अपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड चले जाना है स्टाइल में। यहाँ पे आपको काफी सारे फॉन्ट दिख जाएंगे लेकिन जो हमारा टेक्स्ट है वो अभी स्मॉल लेटर्स में है। अब हमें इसको करना होगा कैपिटल। उसके लिए हमें कोई फॉन्ट फाइंड करना होगा जो कि ऑलरेडी कैपिटल में हो, लाइक बैंगर्स। अब आपको चले जाना होगा स्टाइल में। यहाँ से आप इस टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, इसमें शेडो ऐड कर सकते हो, स्पेसिंग ऐड कर सकते हो। अब आपको अपने टेक्स्ट की एनिमेशन सेट करनी होगी, मतलब इन एनिमेशन, आउट एनिमेशन, जब आपका टेक्स्ट अपीयर हो तो आपको कैसी एनिमेशन चाहिए। मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा आप जूम इन एंड जूम आउट का यूज कर सकते हैं। ये रहा जूम इन और आपको इसकी ड्यूरेशन सेट कर लेनी होगी। मैं रखूंगा 0.2 सेकंड, काफी है। अब चलते हैं आउट एनिमेशन में। यहाँ पे आपको जूम आउट फाइंड करना होगा सिमिलर एंड इसकी भी ड्यूरेशन आपको इक्वल रखनी होगी 0.2 सेकंड। और आपको सारे टेक्स्ट में एनिमेशन ऐड कर लेने होंगे। आप अपने टेक्स्ट का साइज भी इंक्रीज कर सकते हो, लाइक आप देख सकते हो कि ये टेक्स्ट तो ठीक है बट ये एक लाइन में कुछ ज्यादा ही टेक्स्ट आ चुके हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, स्टाइल में जाएंगे एंड यहाँ पे यू के आगे हमें स्पेस ऐड करनी होगी। अब आप देख सकते हैं आपका टेक्स्ट काफी हद तक सही लग रहा है। एंड अगर आप चाहते हो कि इसमें हमें GIF या इमोजीज भी ऐड करने हैं तो वो भी काफी ज्यादा आसान है। यहाँ से बैक आ जाओ इजीली एंड देन गो टू स्टिकर्स। यहाँ पे आपको काफी सारी इमोजीज और स्टिकर्स मिल जाएंगे लेकिन इसमें अगर आपको नहीं मिलता तो आपको सबसे पहले गूगल में से डाउनलोड कर लेना होगा PNG जो भी आप ऐड करना चाहते हो अपनी वीडियो में एंड देन क्लिक ऑन ओवरले एंड देन ऐड ओवरले एंड देन गो टू फोटोज एंड देन अपने PNG को ऐड कर लो। और इसकी आपको अगर बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो आपको चले जाना होगा स्प्लाइस में एंड देन क्लिक ऑन डॉज। अब आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टिकर की बैकग्राउंड रिमूव हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपनी रील्स को काफी ज्यादा क्रिएटिव बना सकते हो। वीडियो को सेव करने के लिए आपको क्लिक कर लेना होगा एरो ऑप्शन एंड आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट होती चली जाएगी इन योर गैलरी। तो अब आप रील्स बनाना तो जान गए लेकिन रील्स से पैसे कैसे कमाएं, ये जानना चाहते हो तो ये वाली वीडियो देख सकते हो। ओके बाय।